तुम्हें श्री राम जी की कसम है, इस वाली वीडियो को इतना शेयर करना ताकि इस भाई की जिंदगी बच जाए। अरे जोगिंदर भाई, इसके लिए तुम्हें कसम वसम देने की जरूरत नहीं है। वीडियो शेयर करने से अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो हम खुद से कर देंगे, इतनी इंसानियत है हमारे अंदर। हाँ। तुम्हें श्री राम जी की कसम है, ये वीडियो इतनी शेयर करना ताकि इस अंकल की मदद हो पाए। पर फिर राम जी की कसम दे रहा है? अबे भाई, तू अच्छा काम कर रहा है और अच्छा काम करने वालों का हम साथ देते हैं, तो इसलिए तेरे बिना कसम दे भी हम वीडियो शेयर कर देंगे भाई। ठीक है, अपने आप को असली हिंदू मानते हो ना, इस वीडियो को इतना शेयर करना तुम्हें श्री राम जी की कसम है। अबे ये थोड़ा सा बैल बुद्धि है क्या? असल इतने प्यार से समझाने के बाद भी समझ नहीं आ रहा है। भाई तेरे बिना कसम दिए भी हम वीडियो शेयर कर देंगे यार। और अगर अब से तूने कसम देना तो साले अंडी बंडी शंडी, जिसने अब से कसम दी उसकी मना श्री राम जी की कसम है। मना श्री राम जी की कसम है यार। अंडी बंडी करने के बाद भी अगर ये बंदा नहीं मान रहा तो समझ जाओ यार तुम भी, इसे पुण्य या फिर अच्छे काम करने से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसे चाहिए अपनी वीडियो में गरीबों को दिखाकर लोगों से अटेंशन और राम जी के नाम पर शेयर लेकर एंगेजमेंट। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर एक का कबीना। सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन तुम सभी का एक और वीडियो में। तो इस वीडियो में अपन लोग बात करने वाले हैं थारा भाई जोगिंदर की। आज थारा भाई जोगिंदर ले आया केला, केला, केला। हाँ वही तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ जोगिंदर, क्या केला क्यों? गाजर महंगा हो गई, ढाका का छोटा पड़ गया। खैर, तो अब यार अगर तुम लोग शेयर्स, ट्रेडिंग, सोना चांदी या फिर घर जमीन जैसी चीजों में अपने पैसे इन्वेस्ट करके खुद को बहुत ही समझदार समझ रहे हो, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब में पैसे इन्वेस्ट करके तुमने खुद का चूतिया काटा है, क्योंकि तुम्हें अगर अपने बहुत कम पैसे इन्वेस्ट करके भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो उसके लिए तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी लोगों के इमोशंस में, जैसे कि गरीबी, लाचारी, बेबसी, मासूमियत, समझ रहे हो, और ऊपर से लोगों के इन इमोशंस का फायदा उठाकर कमाए हुए तुम्हारे उन पैसों का एक प्लस पॉइंट ये होगा, उन पैसों पर टैक्स भरने के बजाय तुम्हें टैग और मिलेगा समाज में एक अद्वितीय मनुष्य होने का। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर तुम थारा भाई जोगिंदर को ही देख लो। भाई थोड़े पैसे दो इनको, आराम से। पूरी मुंबई में कोई नहीं है क्या जो इस लड़की की मदद कर दे? इसका हार्ट टूटा हुआ है बेचारी, यहाँ पर भीख मांग रही है। आराम से देना भाई, डाल दो भाई, आ जाओ पूरी, आओ ध्यान रखना अपना। अब देखना तुम लोगों ने, यहाँ पर हमारे जोगिंदर भाई ने इस लड़की की लाचारी पर सिर्फ 60 रुपए इन्वेस्ट करे, ये 20, ये 40, ये 60। लेकिन अगर तुम लोग ध्यान दो तो इस वीडियो पर 5.5 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज, और इन 5 मिलियन में से अगर 1% छोड़ो बल्कि सिर्फ 0.1% लोगों ने भी अगर इसे फॉलो किया होगा तो इसे मिल गए 5,500 ओरिजिनल और जेन्युइन फॉलोवर। मतलब अगर देखा जाए तो इतने तो 60 छोड़ो, 160 रुपए में बॉट फॉलोवर नहीं मिलते बे। खैर, तब तुम लोग समझ गए होंगे यार कि क्यों आखिर हमारे जोगिंदर भाई YouTube से लेकर रोडीज तक में अपनी इज्जत का पलीता कराने के बाद अचानक से सोशल मीडिया पर धर्म और समाज का रक्षक और गरीबों की आवाज बन गया। इस उर्फी जावेद को पर ना कार्रवाई होनी चाहिए, इसने हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। हमारे भारत की संस्कृति को इतना बदनाम कर दिया है। आए हाय हाय, हमारे महात्मा जोगिंदर जी ने कितनी नेक और बहुमूल्य बात कही है, लेकिन बिना सींग का सांड अपनी इस संस्कृति वाली सोच पर खुद कैसा हक देता है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? भाई ये क्या हो रहा है भाई? ये हमारे जोगिंदर साहब का मच अवेटेड सॉन्ग सिस्टम, जिसमें हमारे जोगिंदर भाई ने देश की संस्कृति को दिखाई नहीं बल्कि तराशा है। आए हाय हाय, मतलब क्या संस्कृति का प्रचार हो रहा है? गोरे गोरे गाल दिखाए जा रहे हैं, काले काले बाल दिखाए जा रहे हैं। असल यही तो वो संस्कृति जो कि उर्फी जावेद में जोगिंदर भाई को नजर नहीं आ रही है। वैसे संस्कृति से मुझे याद आया कि हमारे जोगिंदर भाई कुछ टाइम पहले खुद को स्वच्छ छवि का इंसान दिखाने के लिए जोगिंदर भाई यूट्यूबर्स को एक और टॉन्ट मारता था। ये 4-5 यूट्यूबर है बस जो पूरे यूट्यूब को खराब कर रहे हैं, रोस्ट मार रहे हैं, गाली बकते हैं। किससे पूछ के गाली बकते हो आ? लेकिन इसी गाने में हमारे जोगिंदर भाई ने अपने मधुर वाणी से एक बात कही है जो कि है, मेरी गाड़ी के आगे मत आना वरना गाड़ी ठोक दूंगा, अगर आगे से तू भिड़ गया तेरी कार तोड़ दूंगा। क्या क्या बोला तूने? तेरी कार तोड़ दूंगा। हैं, ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अब ये कौन बोल रहा है कि रोडीज में जाने का साइड इफेक्ट है ये, इसीलिए गाली गलौज करना सीख गया। मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है। ये देख रहे हो, छोटी सी मासूम सी जान, जब घर में लड़का पैदा होता है ना तो कुआ पूछता है, तब लड़की पैदा होती है ना तो रिश्तेदार, ताऊ, चाचा, पड़ोसी,
कोई नहीं आता पूछने के लिए। अबे बाल विवाह के पैदाइश कौन से गुफा में कच्चे पत्ते चबा कर जी रहा है तू? अबे तुझे पता भी कि हमारे देश में बर्थडे पर केक काटने का रिवाज ये लड़कियों की जन्मदिन की वजह से शुरू हुआ है? ये तो लड़कों के बर्थडे को तो पकौड़े और सूजी का हलवा बनाकर निपटा दिया जाता है। अब लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। मेरी सरकार से रिक्वेस्ट यार कि इसे क्षेत्र या फिर जाति की वजह से नहीं बल्कि इसके बुद्धि की वजह से ओबीसी का सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाए। लड़की ना किस्मत वालों घर पैदा होती है, लक्ष्मी होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जय श्री राम। क्या बात बोली है जोगिंदर भाई, लेकिन तेरे लिए मेरे पास एक सरप्राइज भी है, देख जरा। लड़कियों के चक्कर में कभी मत पड़ना क्योंकि भाई लड़कियां ना बर्बाद कर देती है, उसकी याद में पता नहीं क्या क्या तोड़ देते हैं, क्या क्या खो देते हैं। लड़कियां ना किस्मत वालों घर पैदा होती है, लक्ष्मी होती है। लड़कियों के चक्कर में कभी मत पड़ना क्योंकि भाई लड़कियां ना बर्बाद कर देती है। अरे जोगिंदर भाई इतने मूड स्विंग, रोडीज में किसने गलत जगह की नस पर लात मार दी क्या? भाई देखो ये है असली टैलेंट, इनके टैलेंट को कोई नहीं देखता, ये यहाँ पर भीख मांग रहा है। जोगिंदर भाई देखो वो गरीब है, इसके लिए उससे हमारी हमदर्दी है, इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उसके साथ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन जो तूने ये असली टैलेंट वाली बात कही है, तूने इससे पहले हजमोला खाया था फिर हजमोला का पूरा डब्बा, क्योंकि ये बात पचा कैसे ली तूने? वो बेचारा गरीब पहले से ये साला उसे चूतिया और बना रहा है। क्या मतलब कि एक बेसुरा दूसरे बेसुरे को तो टैलेंटेड बोलेगा ही ना। खैर बाकी अब मेन बात यह है यार कि ऐसा सोशल मीडिया के क्लाउंस को ज्यादा अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। ये गरीबों के पास ले देकर एक ही चीज होती है और वो है उनकी गरीबी, और ये उसका भी फायदा उठाने में नहीं चूक रही हैं। और रही बात धर्म की, तो धर्म इनके आंसू बहाने से या फिर भगवान की मूर्ति तोड़ने वालों को पकड़वाने से तो इस तरीके से धर्म नहीं बचेगा, बल्कि अपने कॉन्टेंट के बजाय अगर अपनी जिंदगी में धर्म का इस्तेमाल करेंगे तो शायद तुम्हारे साथ साथ धर्म को भी कोई फायदा हो जाए। खैर बाकी अगर तुम लोग इस वीडियो में कुछ भी बढ़िया लगा हो तो यार इतने सालों से YouTube चला रहे हो तो पता है ना क्या करना होता है, तो यार वही काम जिम्मेदारी के साथ कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अगर मेरी नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही तुम्हें मेरी आवाज सुननी हो तो तुम मुझे Instagram पर वॉइस मैसेज भी कर सकते हो। तो चलो यार फिर तब तक के लिए टाटा बाय बाय।